हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल। आज का हमारा टॉपिक है सीएमएस, वो है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज रिसेंटली दिस ईयर ही हमारे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था बॉर्न कन्वेंशन का। बॉर्न कन्वेंशन इज़ बेसिकली सीएमएस। तो अभी मैं आपको पूरा 5-10 मिनट में एक्सप्लेन करूँगा ये क्या है, ये आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया ने क्या होस्ट किया था, 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP 13, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को COP लिखते, ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स जिसको बोलते हैं CMS, कब से, 17 से 22 फरवरी 2020, कहाँ पे, गांधीनगर इन गुजरात। इतना याद रखना, मतलब COP 13 याद रखना, CMS हुआ था जिसको बॉर्न कन्वेंशन भी बोला जाता है, और गांधीनगर में हुआ था गुजरात में। अभी थीम क्या था वो CMS COP 13 का, माइग्रेटरी स्पीशीज़ कनेक्ट द प्लानट एंड वी वेलकम देम होम। आपको UPSC या कोई भी एग्जाम स्ट्रेट अवे ये पूछ सकता है कि माइग्रेटरी स्पीशीज़ कनेक्ट द प्लानट एंड वी वेलकम देम होम, ये किसका थीम है। तो ये आपका कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल CMS का थीम है। मास्केट फॉर CMS, मास्केट मतलब एक चिन्ह जैसा रहता है, या बोलते हैं ना जिसको एक ऐसे ये रहता है, आई टेल यू द वर्ड, आई कैनॉट रिमेंबर, मतलब जिसको डिनोट करते हैं वैसे उसको मास्केट बोलते हैं, ठीक है। और फॉर CMS COP 13 इज गिबी क्या है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, और ये कौन से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN रेड लिस्ट जो होता है, IUCN रेड लिस्ट बनाती है, उसमें वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। UPSC पूछ सकता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। एंड हैज़ बीन अकॉर्डेड द हाइस्ट प्रोटेक्शन स्टेटस, ये अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है अपना जो इंडिया का, उसमें Schedule 1 में है, ठीक है। Schedule 1 और Part 2 ऑफ द Schedule 2 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है वो स्पीशीज़ को, ठीक है। आगे मैं आपका एक्सप्लेन करूँगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल CMS, तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये कब से फोर्स में है, 1983 अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के एजिस से आया था। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज द बॉर्न कन्वेंशन। UPSC कैन क्लियरली आस्क वॉट इज बॉर्न कन्वेंशन। ओके गाइज, आई हैव टू टेल यू वन मोर थिंग, दैट बॉर्न कन्वेंशन एंड बॉर्न एग्रीमेंट ये दोनों डिफरेंट है। अगर कोई भी एग्जाम आपसे पूछे कि बॉर्न कन्वेंशन क्या है, तो इट इज़ रिलेटेड टू माइग्रेटरी स्पीशीज़, ये याद रखना अपना, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़। बट आपको पूछे कि बॉर्न अग्रीमेंट क्या है, तो वो अफगानिस्तान से एक रिलेटेड, अफगानिस्तान एंड US से रिलेटेड अग्रीमेंट है जो वो लोग ने बॉर्न में किया था। इट इज़ रिलेटेड टू अफगानिस्तान। बॉर्न कहाँ पे, बॉर्न इज़ इन जर्मनी, ठीक है। सो इट इज़ अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स एंड ब्रिंग टुगेदर द स्टेट्स थ्रू विच माइग्रेटरी एनिमल्स पास। बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ भाई, दूसरे दूसरे देशों से ये जो अपने इंडिया से होते हुए जाते हैं जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, बस उनका ध्यान रखने के लिए, उनको तो कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए ये CMS ये किया है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़। जो भी अपने यहाँ से जाते हैं, जैसे वहाँ पे ऊपर विंटर होगा तो यहाँ से होते हुए इंडियन ओशन में जाते हैं, वो किसकी तलाश में, फूड की तलाश में, शेल्टर की तलाश में। तो इंडिया एक उनको अतिथि देवो भव जैसे उनका स्वागत करे, मतलब कुछ तकलीफ ना हो। अभी बेसिकली ये माइग्रेटरी स्पीशीज़ में ये जो CMS है या बॉर्न कन्वेंशन है, उसमें दो अपेंडिक्स आते हैं, Appendix 1 और Appendix 2। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा Appendix 1 और Appendix 2। आपको कोई भी एग्जाम पूछ सकती है Appendix 1 एंड Appendix 2 आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस, तो स्ट्रेट अवे CMS या बॉर्न, ठीक है। अभी इंडिया ने साइन किया है एक नॉन लीगली बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जिसको बोलते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, दो पार्टीज़ के बीच में होता है कि हाँ मैं आपको समझूंगा, आप मुझे समझेंगे, और ये हमारे इक्वल टर्म्स होंगे, उसको बोलते हैं MOU। किसके साथ साइन किया है इंडिया ने, CMS के साथ, ऑन द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ साइबेरियन क्रेन्स। ये 1998 में साइबेरियन क्रेन्स के लिए किया था, 2007 में मरीन टर्टल्स के लिए किया था, एंड 2008 में डुगोंग के लिए किया था,
एंड 2016 में रैप्टर्स के लिए किया था। याद रखना, ये स्ट्रेट अवे यूपीएससी पूछ सकता है कि कौन से साल में क्या, इतना रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, बट सिर्फ याद रखना साइबेरियन क्रेन्स, मरीन टर्टल्स, डुगोंग्स एंड रैप्टर्स, इसके लिए किया था। इंडिया इज़ अ टेम्पररी होम टू सेवरल माइग्रेटरी एनिमल्स एंड बर्ड्स। द इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग दीज इंक्लूड अमूर फैल्कन्स, बार हेडेड गीस, ब्लैक नेक क्रेन्स, मरीन टर्टल्स, डुगोंग, हमबैक वेल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो हमने बात की है। अभी बॉर्न कन्वेंशन क्या है, जैसे आप लोगों को पता है, इट एम्स टू कंजर्व टेरिस्ट्रियल मरीन एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज। तो यूपीएससी आपको पूछ सकते हैं ओनली फॉर बर्ड्स और ओनली फॉर मरीन, नहीं, इट इज़ फॉर एवियन, मतलब जो उड़ते हैं, जो उड़ते हैं उनको एवियन बोलते हैं, जो पानी से मरीन होते हैं, और टेरेस्ट्रियल जो लैंड से आते हैं। ये तीनों माइग्रेटरी स्पीशीज, माइग्रेटरी मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाने वाली जो स्पीशीज है उनके लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, दो गवर्नमेंट्स के बीच में एक ट्रीटी होती है, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी कंक्लूडेड अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, अपन ने ऊपर बात की थी। ठीक है, द कन्वेंशन वॉज साइंड इन 1979 इन बॉन एंड एंटर इंटू फोर्स इन 1983। 1979 में आया था और 1983 में वो फोर्स में आया था। अभी आज तक उन्होंने 7 एग्रीमेंट्स किए हैं, यू नो, CMS ने 7 एग्रीमेंट्स किए। वो क्या क्या है, सिर्फ एक बार ध्यान रखो। पॉपुलेशन ऑफ यूरोपियन बैट्स, कैटासियंस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी एंड कंटिग्यूस अटलांटिक एरिया, स्मॉल कैटासियंस ऑफ द बाल्टिक एंड नॉर्थ सीज, सील्स इन द वार्डन सी, African Eurasian migratory water birds, albatrosses and petrels, gorillas and their habitats। इतना सिर्फ ध्यान रखना, इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये MOU जिसके साथ साइन किया है, मतलब जो MOU है इसमें ये कंजर्वेशन की बात चल रही, साइबेरियन क्रेन, स्लेंडर बिल्ड करल्यू, मरीन टर्टल्स ऑफ द इंडियन ओशन एंड साउथ ईस्ट एशिया, मिडल यूरोपियन पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेट बस्टर्ड, इसको अभी बुखारा डियर। ओके फ्रेंड्स, टेल मी वेयर इज़ बुखारा डियर। आई थिंक इट इज़ समवेयर नियर उज़्बेकिस्तान, एक जगह का नाम है बुखारा। आप चेक करके मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये बुखारा डियर, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, बुखारा डियर कहाँ से। एक्वेटिक वॉर्बलर, वेस्ट अफ्रीकन पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीकन एलोपिट, साइगा एंटीलोप, कैटेशियंस ऑफ पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स, डुगोंग्स, मेडिटेरेनियन मॉन्क सील, रडी हेडेड गूस, ग्रासलैंड बर्ड्स। इन द एडिशन द CMS मतलब कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, जो सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट क्या होता है, जहाँ पे पूरी ऑफिशियल वर्क होती है उसको सेक्रेटेरिएट बोलते हैं। ठीक है, हैज़ लॉन्च्ड एन एक्शन प्लान फॉर द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ये स्ट्रेट अवे पूछ सकते हैं, एक्शन प्लान फॉर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इज लॉन्च्ड बाय इंडिया, बोलेंगे ये बोलेंगे, इट इज़ लॉन्च्ड बाय CMS सेक्रेटेरिएट। ठीक है, इंडिया है उसमें मेंबर। ठीक है, CMS सेक्रेटेरिएट ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है, फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, एन एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द सहीलो सहारन एंटीलोप्स, वाइल इनिशिएटिव्स टू डेवलप एग्रीमेंट्स और MOU आर ऑन गोइंग। ठीक है, चलो ओके। अभी ये जैसे हमने अभी बॉर्न कन्वेंशन किया, वैसी एक वॉशिंगटन कन्वेंशन भी है जिसको क्या बोलते हैं, साइट्स बोलते हैं। जैसे बॉर्न कन्वेंशन को CMS बोलते हैं, वॉशिंगटन कन्वेंशन को क्या बोलते हैं, साइट्स। साइट्स क्या, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, फौना एंड फ्लोरा तो आपको पता रहेगा क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना। इट इज़ अ मल्टीलैटरल ट्रीटी ड्राफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड इन 1963। ठीक है, IUCN में, एट अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, साइट्स का क्या है, IUCN में। द कन्वेंशन वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर इन 1973 एंड साइट्स एंटर्ड इन टू फोर्स ऑन 1st जुलाई 1975 में साइट्स आए, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, अब इसके बारे में और हम जानते हैं। इट डज़ नॉट ओके, इट्स एम इज़ टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज इन द वाइल्ड। मतलब पता चला कि 100 ही टाइगर है और तुम उनको मारे जा रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा। तो बेसिकली वो ध्यान रखेंगे कि जो भी स्पेसिमेंट्स है, मतलब जो भी
एनिमल्स और प्लांट्स थ्रेटेंड है, उनका ट्रेड ना हो, ठीक है, उनका ट्रेड ना हो, मतलब उनको मारा पीटा और काटा पुटा ना जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या था, वॉशिंगटन कन्वेंशन। वॉशिंगटन कन्वेंशन एग्जाम में आया तो सीधा मार्क कर देना साइट, ठीक है। अभी इसके बाद है रामसर कन्वेंशन। द कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन में इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना इट इज़ रिलेटेड टू वेटलैंड्स। वेटलैंड्स मतलब बहुत सारे वेटलैंड्स है, इवन अ राइस फील्ड इज़ अ वेटलैंड, ठीक है। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वाटरफॉल हैबिटेट इन एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। रामसर कन्वेंशन इज फॉर रामसर वेटलैंड, इतना याद रखना, रामसर वेटलैंड। रामसर एक जगह है ईरान में, ठीक है। अभी CMS 2013 के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं अपन, जब अपने यहाँ पे गांधीनगर में हुआ था COP 13, ठीक है, बॉन कन्वेंशन वाला। इंडिया हैज़ टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी फॉर नेक्स्ट थ्री ईयर्स, मतलब 2023 तक का अभी इंडिया प्रेसिडेंट रहेगा CMS का। अब ये टाइम थीम क्या था CMS COP 13 का, माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। मैस्केट हमने ऑलरेडी बात किया कि ग्रेट इंडियन बस्टर्न जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज IUCN के लिस्ट में, और शेड्यूल्ड वन में अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। मैं दोनों आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है, ओके। एनफोर्समेंट ईयर द केम इन टू 1983, ये अपनी पहली बात हुई थी। 130 पार्टीज हैं, ठीक है, ध्यान रखना पार्टीज़ कितने, पार्टीज मतलब मेंबर्स कितने, बेसिकली 130 मेंबर है, 129 कंट्रीज है और एक है यूरोपियन यूनियन। और लेटेस्ट मेंबर कौन ज्वाइन किया, मालदीव्स, अपना जो मडागास्कर के ऊपर है जो मालदीव्स, अपने इंडियन ओशन में जो इंडिया के नीचे, वो मालदीव्स ने रिसेंटली ज्वाइन किया। अभी बॉन कन्वेंशन CMS में मैंने आपको जैसे बताया था कि अपेंडिक्स वन और अपेंडिक्स टू इसमें आते हैं, ठीक है। CMS में क्या आते हैं, अपेंडिक्स वन एंड अपेंडिक्स टू। तो अपेंडिक्स वन में क्या है, लिस्ट माइग्रेटरी स्पीसीज दैट आर एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड विथ एक्सटेंशन, ठीक है। अपेंडिक्स वन क्या है, जो एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड विथ एक्सटेंशन। अपेंडिक्स टू जो वो माइग्रेटरी स्पीसीज विच हैव अनफेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस, मतलब उनको यूजुअली ध्यान नहीं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है, एंड विच रिक्वायर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स फॉर देयर कंजर्वेशन, उनको अपेंडिक्स टू में डाला है। मतलब अपेंडिक्स वन में जो भी थ्रेटन्ड एकदम उनको डाला है, अपेंडिक्स टू में जिन पर कम ध्यान दिया जाता है इंटरनेशनल के लिए उनको डाला गया, ठीक है। द लोगो वॉज इंस्पायर्ड बाई कोलम। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी ये जो COP 13 है उसका लोगो जो है इंस्पायर्ड बाय कोलम। अब कोलम क्या है, इट इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, आर्ट फ्रॉम साउदर्न इंडिया, यूज टू डिपिक्ट की माइग्रेटरी स्पीसीज इन इंडिया लाइक अमूर फाल्कन एंड मरीन टर्टल्स, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, कहाँ का, साउथ इंडिया का, यूज टू डिपिक्ट की माइग्रेटरी स्पीसीज इन इंडिया लाइक अमूर फाल्कन एंड मरीन टर्टल्स, ठीक है। इट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी, ठीक है, इतना याद रखना। अब CMS हैज़ फोकस्ड ऑन कनेक्टिविटी कंसेप्ट टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द न्यू ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो CMS क्या बोल रहे हैं, अभी फोकस्ड उनको क्या कनेक्ट करना है, क्या चीज़ों को कनेक्ट करना है, ये ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है, ये अडॉप्ट होने वाला है 2021 में इन चाइना, ठीक है। ये कनेक्टिविटी कंसेप्ट टू बी इंटीग्रेटेड, मतलब ये जो कनेक्टिविटी कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी, जो ये जो होता है स्पीशीज़ और नेचुरल फ्लो और जो भी होता है, ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से कनेक्ट करेंगे। ऑल्सो कंट्रीज कैन इंटीग्रेट बायोडाइवर्सिटी एंड माइग्रेटरी स्पीशीज कंसिडरेशंस विद देयर नेशनल एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी एक्शंस। अब ये क्या बोल रहा है कि तुम ये जो माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए जो है तुम अपने जो पॉलिसीज़ है तुम्हारे कंट्री के, जैसे आगे मैं नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट बताऊंगा आपको क्या है क्या नहीं, तो उसमें तुम अमालगमेट, मतलब उसको मिला के उसके लिए एक पॉलिसी बनाओ। अब COP 13 क्या प्रपोज किया, टू इंक्लूड 10 न्यू स्पीसीज़ फॉर प्रोटेक्शन अंडर CMS, ठीक है। अब 10 न्यू, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, उसमें से तीन जो है वो इंडिया के, कौन से तीन इंडिया के, एशियन एलिफेंट, बंगाल फ्लोरिकन एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में अभी अपने बात की,
वो आता है अपेंडिक्स वन, शेड्यूल्ड वन, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। अदर सेवन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें से एक है जैगुआर, जो किसने प्रपोज किया, कोस्टा रिका, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड पैराग्वे, ठीक है। वाइट टिप शार्क ब्राज़ील ने किया, लिटिल बर्स्टर्ड ईयू ने, यूरोपियन यूनियन नेशंस ने किया, यूरियाल ताजिकिस्तान, ईरान और उज़्बेकिस्तान, ये तीन कंट्री ने किया यूरियाल। एंटीपोडियन एल्बेट्रॉस न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और चिली ने किया। स्मूथ हैमर्ड हैमरहेड शार्क, सॉरी स्मूथ हैमरहेड शार्क ब्राज़ील ने किया, एंड टोप शार्क ईयू नेशंस ने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ना ज़रूर, बहुत किधर भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख के रखना, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये सीधा बता देंगे कि कौन सी ये बता देंगे एनिमल्स या रेप्टाइल्स या जो भी है, और इसमें सामने लिखेंगे कौन से कंट्री ने इसको ये किया है, ठीक है। अब COP13 क्या हाईलाइट किया है, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड डिग्रेडेशन, और क्लाइमेट चेंज की भी बात की। अब ये मीट जो हुआ था उसका एजेंडा क्या था, बेसिकली इसका पर्पस क्या था, ये इसने फर्स्ट टाइम पहली बार इम्पैक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन क्या होता है, बेसिकली आर्टिफिशियल लाइट जो होती है, जैसे हमारे यू नो जैसे पकड़ लो कोई भी आर्टिफिशियल लाइट हो यार, बल्ब लगाया है वो, या बड़े बड़े जो ये होते हैं लाइट्स होते हैं जो हमारे स्टेडियम में जिधर भी लगा हुआ है, जो भी आर्टिफिशियल लाइट होती है वो माइग्रेटरी स्पीशीज़ एंड इंसेक्ट को तकलीफ देती है, ठीक है। इस पे फर्स्ट टाइम फोकस किया गया लाइट पोल्यूशन पे, तो याद रखना लाइट पोल्यूशन पे। एड्रेसेस डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स, इसमें क्या और एक बात हुई, इंसेक्ट्स की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के बारे में बात हुई, प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में बात हुई, फॉसिल फ्यूल एनर्जी टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात हुई, कि कैसे हम फॉसिल फ्यूल एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे जा सकते हैं, ठीक है। वर्क ऑन CMS एनर्जी टास्क फोर्स, एनर्जी टास्क फोर्स CMS का याद रखना, सेटअप इन 2015 टू रिकनसाइल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट्स विथ द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है। अडॉप्शन ऑफ एक्शंस टू प्रोटेक्ट 12 स्पीशीज इंक्लूडिंग गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, गेबॉन एंड जिराफ। इंडिया हैज़ प्रिपेयर्ड अ कॉन्क्रीटेड एक्शन प्रपोजल टू प्रोटेक्ट गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, ठीक है। अभी इंडिया और CMS तो हमारी थोड़ी बात करते हैं, इंडिया एंड CMS, CMS ऑल्सो कॉल्ड एज बॉन कन्वेंशन, वेरी नाइस, सुपर। इंडिया हैज़ बीन अ पार्टी टू द कन्वेंशन सिंस 1983, ठीक है, याद रखना 1983 से इंडिया अब CMS के साथ है। और ये क्या है, इंडिया ने क्या साइन किया, अ नॉन लीगली बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब ऐसे नहीं कि तुम हम लोग को सू कर दोगे, मतलब कोर्ट में लेके जाओगे अगर हमने कुछ किया नहीं, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। और MOU किसके साथ साइन किया था, MOU साइन किया था CMS के साथ किसके लिए, साइबेरियन क्रेन्स के लिए, मरीन टर्टल्स के लिए, डुगोंग्स के लिए एंड रैप्टर्स के लिए, हमने पहले बात की थी इसके बारे में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज अ पार्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट बर्ड फ्लाई वे नेटवर्क, तो अपन ने ऊपर बात किया था, CMS सेक्रेटरीट ने क्या किया, सेंट्रल एशियन फ्लाई वे जो बना रहा है वो उसका ये किया है ना, तो क्या है ये सेंट्रल एशियन फ्लाई वे, क्या है ये, बेसिकली अपने इंडिया का एक पार्ट है दैट कवर्स द एरिया बिटवीन आर्टिक एंड इंडियन ओशन, मतलब जो भी सेंट्रल एशिया है जो कवर करता है इंडियन ओशन से पहले, विद एटलीस्ट 279 पॉपुलेशन ऑफ 182 माइग्रेटरी वाटर बर्ड स्पीशीज, ठीक है। इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स टेम्पररी शेल्टर टू सेवरल माइग्रेटरी स्पीशीज इंक्लूडिंग अमूर फैल्कन्स, बार हेडेड गीज, ब्लैक नेक्ड क्रेन्स, मरीन टर्टल्स, डुगोंग्स, हमबैक व्हेल्स। मैं ये बार बार पढ़ रहा हूँ ताकि मैं जितना आपको बोलूँगा उतना आपको ध्यान में रहेगा ये सारी बात। एनिहिलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इज़ रिटन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर, याद रखना ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये हाँ कास्ट ही है, हाँ ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इज़ रिटन बाय, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा। और एक कंसेप्ट है इसमें, ये आता है सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, आपको डायरेक्टली कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है कि सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एनिहिलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ड्यू टू ह्यूमंस, मतलब जो
वाइल्ड लाइफ जो मर रही है इंसान की वजह से उसको सिक्स मास एक्सटिंक्शन बोला गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, अभी लिविंग प्लैनेट इंडेक्स किसका है, बेसिकली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF और एक लंडन जूलॉजिकल सोसाइटी ऐसे कुछ है, उन्होंने दोनों ने मिलके लिविंग प्लैनेट इंडेक्स बनाया है। तो आपको UPSC या कोई भी एग्जाम स्ट्रेट अवे पूछ सकते एग्जाम में कि लिविंग प्लैनेट इंडेक्स इज रिपोर्ट बाय, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या दोनों में से लंडन जूलॉजी जो भी है। अब ये क्या बोलता है, नेचर विल टेक अराउंड 5 to 7 million ईयर्स टू रिकवर इवन इफ द डिस्ट्रक्शन स्टॉप्स नाउ। ये रिपोर्ट ये बोलता है कि 5 to 7 million ईयर्स, 1 million मतलब कितना होता है 10 लाख, और 5 to 7 मतलब 50 to 70 लाख साल लग जाएंगे रिकवर होने में अर्थ में, अभी डिस्ट्रक्शन रोका तो भी। Since 1970 to 2014, 60% of animal populations have been wiped out due to human activities. 60 mains के answer writing के लिए बहुत अच्छा content है कि 60% of animal populations have been wiped out due to human activities. It is a report by Living Planet Index. अभी India's commitment and initiatives देखते हैं। अभी India ने क्या क्या किया, International Solar Alliance start किया, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया, इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन लीडरशिप विद स्वीडन स्टार्ट किया। क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन लीडरशिप इज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, सो इट इज़ विथ स्वीडन। पेरिस एग्रीमेंट साइन किया, पेरिस एग्रीमेंट में क्या बोलता है, 2 degrees से कम टेम्परेचर रखने का, ठीक है। Strengthened association with Asian and East Asia summit countries in sync with the Indo-Pacific Ocean Initiative, ठीक है। अब national level पे India ने क्या क्या plan किया, National Action Plan for Conservation of Migratory Species along the Central Asian Flyway, Central Asian Flyway जो CMS Secretariat ने किया था, अभी India ने क्या launch किया उसके लिए, National Action Plan for Conservation of Migratory Species along the Central Asian Flyway। इंडिया ने और क्या क्या अनाउंस किया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च, करें हम ज़्यादा उस चीज़ों को ज़्यादा जाने, कंजर्वेशन ऑफ मरीन टर्टल्स बाय लॉन्चिंग इट्स मरीन टर्टल पॉलिसी एंड मरीन स्ट्रैंडिंग मैनेजमेंट पॉलिसी बाय 2020, रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम माइक्रो प्लास्टिक्स एंड सिंगल यूज प्लास्टिक, ट्रांस बाउंड्री मतलब सपोज पर्सन ए को पर्सन सी पर जगह ए से जगह सी जाना है तो जगह बी से वो जाएगा वो तो ट्रांस बाउंड्री हो जाएगा, ठीक है। ए से सी डायरेक्टली नहीं जा सकता, ए से बी, बी से सी जाएगा तो वो ट्रांस बाउंड्री हो जाएगा, ठीक है। ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज लाइक टाइगर्स, एशियन एलिफेंट्स, स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लायन, वन हॉर्न राइनोसोरस एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। और क्या किया, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी गाइडलाइंस टू टेलर डेवलपमेंट इन इकोलॉजिकली फ्रजाइल एरियाज। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी गाइडलाइंस इज रिलेटेड टू, लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी गाइडलाइंस इज रिलेटेड टू इकोलॉजिकली फ्रजाइल एरियाज, ठीक है। याद रखना है जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इंडिया ने क्या एक एम्बिशियस टारगेट किया है, 450 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, ठीक है। हमको क्या अचीव करना है, 450 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी करना है हमको बाय 2030। तो हमारा ग्रीन इकोनॉमी में हम ज़्यादा परिवर्तित हो रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था हमने कभी, 1973 या 1976 में, कम ऑन आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कब स्टार्ट हुआ था। विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व द टाइगर पॉपुलेशन हैज़ बीन डबल्ड इन इंडिया, 2 साल पहले ही हमने टारगेट डबल कर दिया, पहले 1400 समथिंग था, अभी 2900 हो चुका है, ठीक है। इंडिया सपोर्ट 60% ऑफ ग्लोबल एशियन एलिफेंट्स पॉपुलेशन and there are approximately 30 elephant reserves for it, ठीक है। 60% of the global Asian elephants population कहाँ पे, इंडिया में। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी निकाला हमने किस चीज़ के लिए, टू प्रोटेक्ट their habitats एंड corridors। तो भी कई जगह पे हम
थोड़े पीछे रह गए कि यार वो आप लोगों को केरला का इंसिडेंट तो पता ही होगा सबको, कि वो एलिफेंट को उन्होंने ये खिलाया और वो एलिफेंट मर गया, मतलब शी वेंट इन टू वाटर, सो इट वॉज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। सो आप लोग भी जब भी अपने एनवायरनमेंट में, अपने आजू बाजू में लोगों को देखो, तो कीप थिंकिंग कि हम इस चीज़ को बेटर कैसे कर पाए। हम सपोज सपोज हम कुछ भी देखें, सपोज हम बाहर गए, हम लोग देखें कि किराने की दुकान में बहुत भीड़ है, तो हम सोच, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर हमको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम इस चीज़ों को बेटर कैसे कर पाए। एक बेटर का हमेशा एक एंगल रखना, मैं तुम सारे मेरे दोस्तों को बता रहा हूँ कि हमेशा एक बेटर करने का एंगल रखना। कुछ भी हो, भले एक एक नॉर्मल वॉशरूम हो, टॉयलेट में के बाहर लाइन लगी हो, तो हम देखें कि यार ठीक है, हम इसको बेटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओके इसका बेटर एफिशिएंटली मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमेशा ऐसे सोचते रहो ना, एंड यू गोना क्रिएट वंडर्स देन। ठीक है, अभी आते हैं हम किस पे, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, अभी प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। ये प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के लिए किसके लिए, टू प्रोटेक्ट पॉपुलेशन इन द हिमालयन रेंज। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, इंडिया रिसेंटली होस्टेड स्टीयरिंग कमिटी मीटिंग ऑफ द ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। ठीक है, याद रखना, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, GSLEP प्रोग्राम, जिससे क्या निकला, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन निकला जिससे। ठीक है, तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू, याद रखना, इट इज़ प्रोजेक्ट, इट इज़ रिलेटेड टू स्नो लेपर्ड। ठीक है, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। अब इंडियाज नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जो मैं आपको बोला था ना, मैं बताऊंगा आपको ये क्या है। एंड सो एग्जैक्टली क्या है ये, 2017 से 2031 तक का प्लान है। हम छोटे प्लान बनाएंगे, हम डायरेक्ट बड़े प्लान बनाएंगे। ठीक है, अभी इसमें एग्जैक्टली क्या है, 17 चैप्टर्स है, बहुत बड़ी बुक बना दी, 17 चैप्टर्स है, विथ न्यू एक्शन थीम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ हेल्थ, इनलैंड एक्वेटिक, कोस्टल एंड मरीन कंजर्वेशन, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन। ठीक है, ऐसे 17 चैप्टर है। इसमें एक चैप्टर ऐसे भी है जिसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। ठीक है, पीपल्स, लोग क्या कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने के लिए। अभी बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स फॉर प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स लाइक सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आई, जिसको EI भी बोलते हैं, EI सर्वेलेंस। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, EI सर्वेलेंस इज रिलेटेड टू, इट इज़ रिलेटेड टू सेंसिटिव टाइगर रिजर्व्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज़। मतलब ये बेसिकली टाइगर रिजर्व्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज़ में ये लगाया जाएगा। ठीक है, सर्वेलेंस के लिए। अब बिसाइड्स द यूज़ ऑफ ड्रोन, UAV टेक्नोलॉजी फॉर एयरबॉर्न मॉनिटरिंग एंड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ओके। इट फोकसेस ऑन मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म इन वाइल्ड लाइफ एरियाज एंड कंट्रोल ऑफ पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ठीक है, चलो, अभी ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ही बताऊंगा, फट से ख़त्म कर दूंगा लेक्चर अभी ये। ठीक है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 क्यों बनाया था, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वाइल्ड लाइफ फ्रॉम इलीगल पोचिंग एंड हंटिंग। ठीक है, इलीगल पोचिंग एंड हंटिंग से बचाने के लिए ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया था। इसमें 6 शेड्यूल्स हैं, Schedule 1 एंड Part 2 ऑफ द Schedule 2। ठीक है, Schedule 1 एंड Part 2 ऑफ द Schedule 2 ये क्या प्रोवाइड करता है, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन विद द हाईएस्ट पेनाल्टीज। हमारे सलमान खान को शायद Schedule 1 और Part 2, Schedule 2 में ही कोई ये हुआ था, जो उन्होंने शायद राजस्थान में ये वाइल्ड लाइफ को ये किया था, आई थिंक इट वॉज सम एंटीलोप। गाइज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि एग्जैक्टली क्या था वो। Schedule 3 एंड Schedule 4 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन विथ लेसर पेनल्टीज, मतलब प्रोटेक्शन है बट पेनल्टीज थोड़ी कम है। Schedule 5 इंक्लूड्स एनिमल दैट कैन बी हंटेड, मतलब सपोज जैसे यहाँ पे पिग्स है, या मतलब जो 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 एनिमल्स जो खेतों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या वाइल्ड पिग है, या ऐसे कोई है जो उसको, वो उसको वर्मिन कैटेगरी बोला जाता है, वर्मिन। ठीक है, Schedule 5 में आते हैं, देर कैन बी हंटेड, मतलब उनको मारा जा सकता है। एंड Schedule 6 बैन्स कल्टिवेशन एंड प्लांटिंग ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट्स, जो भी प्रोटेक्टेड प्लांट्स है, जो
जो बहुत ही मतलब कई कई प्लांट जो होते हैं बहुत जहरीले होते हैं, उनको शेड्यूल सिक्स करता है बैन। ठीक है, अभी ये जो अगर तुमने ये सारी चीज़ें नहीं मानी और तुम अपना करते गए तो फिर पनिशेबल तुमको क्या पनिशमेंट मिलेगी वो एक बार देख लेना। जिसने नहीं किया उसको ये पनिशमेंट मिलने वाली है। ठीक है, ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। द एक्ट वॉज एमेंडेड इन 2003 में अमेंड किया गया था, जिसमें क्या किया था, स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर हंटिंग और हार्वेस्टिंग द वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, शेड्यूल वन एंड शेड्यूल टू प्रोवाइड्स फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू वाइल्ड एनिमल्स बॉडी पार्ट्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें शेड्यूल वन एंड शेड्यूल टू में आता है पेनल्टी एनहांस फॉर हंटिंग और ऑल्टरिंग बाउंड्रीज ऑफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। व्हीकल्स और वेपन्स यूज्ड फॉर कमिटिंग क्राइम्स कैन बी सीज्ड। मिनिमम इम्प्रिजनमेंट इज 3 years एंड दैट कैन एक्सटेंड टू 7 years विद 10,000 rupees फाइन। ठीक है, ये अपना ख़त्म हो गया। अभी और कौन से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो स्टेट्स पास किए, जैसे मद्रास वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एलिफेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1873, ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1879। ये ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट वाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते, अपन सेंटर वाइज करते हैं। बस दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आपके दोस्त लोग को भी यार बोलो, आपके दोस्त लोग को भी बोलो कि यू नो दे शुड कम एंड हैव अ व्यू एंड यू गाइज हैव टू टेल मी दैट हाउ एम आई डूइंग इन दिस। और कुछ भी सजेशन हो तो आप मेरे को बोल सकते हो बिंदास, मेरे को अपना भाई समझो, बड़ा भाई समझो और बिंदास बोल सकते हो आप मेरे को। कोई भी चीज़ चाहिए तो भी आप मुझे बोल सकते हैं। अपना मेन फोकस रहेगा प्रीलिम्स क्लियर करना और मेंस क्लियर करना, इंटरव्यू वो आपके हाथ में। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय।